सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम लोग काफ़ी टाइम के बाद खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल, लेकिन नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फ्रेश। तो फटाफट से हम लोग अपने वर्ल्ड का नाम दे देते हैं। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे अर्थ एम्पायर, ऐसे मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में आया तो मैं ये रख रहा हूँ नेम अपना, एंड सर्वाइवल रखेंगे। एंड बाकी चलो एकदम सही है, एक पहले ही मैंने वर्ल्ड बनाया लेकिन वो तो मैं ऑफ कैमरा खेलता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अर्श एम्पायर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चीट वीट में एक भी मतलब जो अपनी सीड आती है वो मैं एक भी यूज नहीं कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपना वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है, देखते हैं कैसा वर्ल्ड हमारा क्रिएट होता है, सीड कैसी है। ओके सही सीड है, चलो कोई ना। ओ भाई स्वम्बरम बाजू में या उसका मतलब डायमंड ही डायमंड, क्योंकि शायद से स्वम्ब बायोम में वो ट्रिक अभी भी चलती है या फिर कोई दूसरी ट्रिक होगी तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। एंड हाँ, इस वीडियो का एम है अपना, हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। पहली कि हमें चाहिए अपने फुल आर्मर, फुल आर्मर तो नहीं होगा खैर आयन का, तो सारे टूल्स आयन के होने चाहिए हमारे पास आज के दिन में। एंड एक हमारा स्टार्टर बेस होना चाहिए, वो हम रैंडम जगह पे कहीं पे भी बना सकते हैं अच्छी लोकेशन देख के, बस हमें वो चाहिए एक मतलब हमारा स्टार्टर बेस। ठीक है, तो वो तो मैं खुद से बना दूंगा लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज सिर्फ अपने टूल्स से ही होते हैं, मतलब टूल से ही रिसोर्सेज आते हैं, वो तो आपको पता होगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ बनानी। सो गाइस उधर का सारा एरिया ट्रैवल करने के बाद उसके पीछे जो है अपना है फुल जंगल जहाँ से हम लोग आए हैं, मेरा हंगर बार भी आप देख सकते हो। तो एक रात तो मैंने कैसे कैसे सर्वाइव कर ली अंदर डिग करके, तो वो पार्ट तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, लेकिन ट्रैवल करते करते अपन को मिल चुका है अपना फर्स्ट विलेज, वो भी अपने पहले ही वीडियो में। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। एंड भाई शिप्स भी है, मेरे को आवाज़ आ रही है, देखो शिप्स भी है यहाँ पे, एक ही है वैसे लेकिन एक से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अरे मैं क्यों मार रहा हूँ इनको, विलेज में तो बैड ही बैड होंगे। तो हाँ मैं यहाँ पे घर तो अभी बनाने की सोच रहा हूँ लेकिन इधर से थोड़ा सा दूर, क्योंकि भाई विलेजर्स विलेज में बनाएंगे तो विलेजर्स अपने घर पर आके सोएंगे, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वैसे दो बेड लगा दूंगा लेकिन फिर दूसरा आ जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा इतना। बाकी सही विलेज है, ठीक ठाक सा है, आयन कॉलम है अभी। और भाई ये क्या ट्रेड दे रहा है, एक एम्बर का बदले रेड स्टोन डस्ट और रॉटन फ्लैश 32 जो मेरे पास तीन है उसके बदले एम्बरल्ड। सही है भाई तू जा। तो यहाँ से थोड़ा सा लूट करते हैं, इसका बेड चुराते हैं, किसी का है तो चुराते हैं, एंड चलते हैं इस विलेज से थोड़ा सा दूर। एंड भाई इधर कैट भी है, दो दो कैट है इधर, ब्लैक कैट है, तो इसका मतलब वो तांत्रिक वांत्रिक जो रहता है वो होगा यहाँ पे, मैं नाम भूल गया उसका लेकिन वो भी होगा इधर कहीं पे ही। भाई काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ विलेज में तो भाई थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी। और भाई ये तो इनके घर में आ गया, घोड़ा वोड़ा सब है लेकिन सैडल नहीं है मेरे पास। तो देखो पहले मैं क्या करूँगा, एक कर अपना ले लूँगा मतलब बना लूँगा, एंड देन मैं जाऊँगा माइनिंग पे दूसरे दिन। तो इसको बोलते हैं चल भाई तू खड़ा हो, मेरे पास बेड है लेकिन फिर भी मैं इसको खड़े करके सो जाऊंगा। चलो तो हमारा एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड दूसरा दिन हो चुका है माइनक्राफ्ट का। तो फटाफट से मैं थोड़ा सा रिसोर्स कलेक्ट करता हूँ एंड बनाने लगता हूँ घर। रिसोर्स तो मैं नॉर्मल अपने वुड से ले लूँगा, विलेजर्स के वुड का जो घर बनाया वही मैं ले लूँगा तोड़ के, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो फटाफट से ले लेते हैं सारा का सारा ही बेल्स और उससे बनेगी हमारी ब्रेड। ठीक है सही लोकेशन है, मैं विलेज से थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ ताकि सही हो जाए। एंड भाई ये तो अपना नेदरराइट का, इसके भाई नेदरराइट कहाँ से आ गया भाई, ये घर तो वो पोषण बनाने वाले का होता है, इसके घर पे वो भी होता है जिससे पोषण बनता है, तो मैं ये ले लेता हूँ ब्रीविंग स्टैंड बोलते हैं इसको, है ना। हाँ ब्रीविंग स्टैंड, यार ऊपर तो खैर कुछ होता नहीं है तो मैं तो नहीं जाऊँगा, बाकी थोड़ी सी लूट मचाते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम। भाई मैं स्टोन कटर भी ले रहा हूँ क्योंकि अपने घर बनाने में वो काम आएगा।
तो मेरे पास है अभी 17 हे बेल्स, इससे बन जाएंगे हमारे अच्छे खासे वीट। तुम्हारा 4 स्टैक के ऊपर वीट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे को सबसे पहले ब्रेड बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरी HP बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे मैंने 1 स्टैक के ऊपर ब्रेड बना ली है, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी होगा हमारे लिए अभी के लिए फूड। एंड भाई उधर भी घर है, लेकिन वो मैं अभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर है वो। तो इनका थोड़ा सा एक काम करते हैं, इनको रहने दो, हम लोग अपना ही सामान खुद ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ी सी अच्छी लोकेशन मिल जाए ना, बस वही है, थोड़ा सा दूर जाते हैं, कोई माउंटेन के बीच में बनाने का ट्राई करते हैं। हाँ माउंटेन में बना सकते हैं अपन लोग। ओ भाई साहब रवीन, इधर भी आएंगे अपन, लेकिन अभी नहीं, कल, मतलब माइनक्राफ्ट के कल के दिन। ओ बच गया भाई। तो एक माइनक्राफ्ट, मतलब मैं देखता हूँ, देखो मैं इधर से आया था, मैंने बोला था मैं इधर से आया हूँ। तो एक अपना देखते हैं अपन, जो माउंटेन है वो ढूंढते हैं एंड उधर घर बनाते हैं। कोई अच्छा सा घर मिल जाएगा तो सही हो जाएगा, मतलब माउंटेन मिल जाएगा तो। ये माउंटेन सही है लेकिन थोड़ा सा पतला है एंड ऊंचा नहीं है भाई, तो ये सही नहीं है। वो सामने वाला देखो, वहाँ पे जो घर है ना, वहाँ पे बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा। लेकिन स्टेयर्स भी बनानी पड़ेगी हमको। ये देखो ना, ये मस्त है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अपने लिए अपना घर। तो आप टाइम लैप्स एंजॉय करो सारा कुछ, पहले मेरे को उधर से निकालना तोड़ना पड़ेगा एंड फिर मुझे उधर अपना घर बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन वो है, लेकिन उससे पहले मेरे को उधर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई विलेजर रहता है उधर या नहीं। एंड यहाँ पे थोड़ी सी शुगर केन है जो मैं नहीं लूँगा अभी, जब मेरे को किसी को क्योर करना होगा तभी मैं ले लूँगा। भाई मैं जाऊँ किधर से, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टेयर्स भी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए मेरे को वुड चाहिए। लेकिन पहले हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद उसको डेकोरेट करेंगे, ऊपर चढ़ने का सब सीन बना देंगे अपन लोग, ठीक है। वो इधर अच्छी जगह है, चलो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छे से इसको बनाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। हाँ भाई ये जगह एकदम परफेक्ट है, फटाफट से मैं इसको एकदम मतलब ओपन, मतलब बना देता हूँ एकदम सीधा, एकदम जो होता है फ्लैट सरफेस बना देता हूँ ताकि हम लोग घर बना सके। तो चलो काफ़ी ज़्यादा मस्त घर का प्लान मैं सोचूंगा या फिर यूट्यूब और उधर से देख के मैं बनाऊंगा।
सो गाइस यहाँ पे मैंने फुल एरिया अपना क्लीन कर चुका है, देख सकते हो कितनी हाइट मैंने यहाँ पे क्लीन की, इधर तक था तो 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 फ्लोर मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिए भाई साहब, क्या ही तो एकदम मस्त लग रहा है। अभी यहाँ से व्यू मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से एकदम कई जहर वाला व्यू आता है, और ये टॉप में एकदम घर है, इसके आगे कोई घर है ही नहीं, मतलब उसके ऊपर एक भी घर है ही नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगा, खुद से तो घर बनाने नहीं वाला, तो उसके लिए मैं देखूँगा ट्यूटोरियल्स घर बनाने के लिए, एंड अभी तो नहीं देखूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ आयरन ढूंढने के लिए, क्योंकि फिर एक के एक में ही काम रहूँगा तो फिर दूसरा काम रह जाएगा, तो पहले मैं जाऊँगा आयरन फाइंड करने। लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वुड हो चुका है, तो हम लोग बनाएंगे 1-2 चेस्ट हमारा सामान स्टोर करने के लिए। तो भाई साहब देख सकते हो क्या ही ज़्यादा एकदम क्लीन, कैसे करूँ वही समझ में नहीं आ रहा, बेड बेड सब फेंकना पड़ेगा ये सारी चीज़ें मेरे को। डर्ट भी थोड़ी सी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इससे अभी मैं सारी चीज़ें स्टोर कर सकूँगा। 2 चेस्ट बना देते हैं हम, ओके ऐसे बनती है, एक और चेस्ट भी बना लेंगे हम, ओके डबल चेस्ट हम लोग ने बना दिया यहाँ पे सारा सामान स्टोर करने के लिए। ओके देख सकते हो क्या ही ज़्यादा डर्ट हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात भी है, जिससे हमारा सारा कुछ एकदम अच्छे से हम लोग लेवल कर पाएंगे। एंड 3 शवल मेरी यूज़ हो चुकी है, 3 ही बोलेंगे, 3 और उससे ऊपर के 1-2, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा माइनिंग हो गया। तो अभी मैं बना दूँगा पिकैक्स एक स्टोन की, ठीक है, स्टोन है ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, चलो स्टोन की पिकैक्स बना देंगे। एंड स्टिक हमारे पास ये रही, बाकी हमारे पास शवल है तो शवल ले लेते हैं इसको। सो गाइस थोड़ा सा दूर आके मेरे को मिल चुकी है एक रवीन, मतलब थोड़ा सा नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही दूर आ चुका हूँ, लेकिन फाइनली मिल चुकी है एक रवीन, मतलब रवीन ही लग रही है मेरे को, ये होनी भी चाहिए, तो हाँ रवीन ही है, रवीन ही है, बस पानी ना हो अंदर, वरना भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं पानी बिछा के जाऊँगा, क्योंकि ऐसे तो मेरे को आता नहीं है, इसको फुल हो जाने दो पहले। और तो अभी ओ भाई बारिश भी स्टार्ट हो गई, चलो चलो हमें अभी मेन चाहिए आयरन, बस आयरन मिल जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ लैपिस लजूली, ओ भाई बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है मेरे को, अरे इधर पानी डाल के चलता है ऊपर, ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है मेरे को। ओके मैं आ चुका हूँ ऊपर, मेरे को यहाँ पे माइन करना पड़ेगा, मेरे को चाहिए 20 या उतने आयरन ब्लॉक्स, मतलब रॉ आयरन, ठीक है, तो उससे बन जाएगा हमारा सारा कुछ हमें जो बनाना है, को लीव करेंगे तो मैं आके ले जाऊंगा, लेकिन अभी तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, खाली फुकट में मतलब पिकैक्स अपनी वेस्ट होगी और उसका कोई अभी काम भी नहीं है, क्योंकि डायमंड के बिना वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि लैपिस है भाई, वो लैपिस बस एंचेंट करने में काम आती है और कुछ नहीं। अभी हमको मिल चुके हैं 14 रॉ आयरन और मिले ही जा रहे हैं, बाकी रवीन शायद से क्लोज हो रही है, आई डोंट नो, दूसरी साइड जाके देख लेंगे। ओके तो 21 हो चुके हैं हमारे पास, आई डोंट नो इतने से हो जाएगा काम या नहीं, तो मैं थोड़ा सा 10 और ले लेता हूँ, 10 बस 10 और ले लेते हैं, मिल जाते हैं तो। और ज़ॉम्बीज की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैंने देख भी लिया है उनको, तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, अंदर आयरन वायरन छुपे हो, देखो देखो मैंने बोला था अंदर आयरन छुपे होंगे, लेकिन मेरे को डोर बनाने पड़ेंगे, डोर से ही मैं ले सकूँगा, जल्दी डोर बना देता हूँ मैं भाई, डोर के पास डोर कैसे बनेगा, हाँ मतलब क्राफ्टिंग टेबल है, जल्दी डोर बन जा,
ओके, तीन डोर बन गए भाई, तीन नहीं चाहिए ना। हाँ तो ये रहे, ओके गुड, ये ट्रिक हमेशा वर्क करेगी और मतलब करती है और करेगी भी। चलो जल्दी ऊपर चलो, ज़ॉम्बी आने की ट्राई कर रहा है, लेकिन हम लोग उधर से निकल भी। अरे भाई नहीं, देखो अभी शील्ड काम आएगी अपनी जो हमने बनाई है। ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं, नहीं चलो एक को तो हमने मार दिया है लेकिन हमें मिल नहीं रही। ओके आयरन मिल गया, ओपी। दूसरा दूसरा दूसरा, ओके यहाँ पे देखा रहा, ओके काफी ज़्यादा अच्छा माइन हो गया हमारा ये। एक और भाई आपको भी नहीं दिख रहा होगा, रुको हाँ अभी दिखेगा भाई, मेरे को डर लग रहा है कोई पीछे से हमला ना करे। अरे भाई इधर से पानी कहाँ से आ रहा है, निकलो भाई, यहाँ पे भी डेड एंड है। ऊपर तो शायद ही जा सकेंगे, ऊपर भी नहीं जा सकते, इसका मतलब हमारी रवीन ख़त्म होती है 29 आयरन देने के बाद। सही है भाई, आयरन अच्छा मिल गया हमें। ओए ये क्या है, ये ड्रोन है शायद, तेरे पास ट्राइडेंट नहीं है क्या, चल आजा। ये मरा हुआ है मतलब पानी में डूब गया था, ये आपको तो पता ही होगा, देखो इसने दिया भी कॉपर दिया लेकिन। तो चलो पहले पिकैक्स बना देते हैं, पिकैक्स हमने यहाँ पे एक बना दी है, अभी हम लोग बनाएंगे। ओ एक आयरन चाहिए अभी, ओके दो मिल चुके हैं, अभी बनाते हैं अपने लिए एक डायमंड। डायमंड तो यहाँ पे मैंने एक आयरन की एक्स बना दी है, एंड अभी बना देते हैं एक स्वॉर्ड ताकि हम फुल आयरन में कन्वर्ट हो जाए। भाई मेरे को लगता है कि चेस्ट प्लेट भी बना सकते हैं अपन, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। बाकी हो चुके हैं हमारे सारे टूल्स आयरन के, भाई क्या लग रहे हैं, चमक रहे हैं, अभी डायमंड के सोचो कितने अच्छे लग रहे होंगे। चलो तो अभी इसको भी पकने देते एकदम, भाई इसका सारा तू ले भाई तू ले जा। ओके हेलो गाइस, हो चुके हैं हम लोग एकदम आयरन के आर्मर में। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूँगा आपको और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।